नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है राजस्थान के भरतपुर जिले से। मान मंदिर बरसाना से चलकर रमेश बाबा के साथ 15,000 यात्री कामा कस्बे में पहुंचे। इस दौरान क्षेत्र में अवैध खनन की बढ़ती हालत को देखकर सभी यात्री आश्चर्यचकित हैं। इसी को लेकर रमेश बाबा के साथ 15,000 यात्रियों ने उपखंड अधिकारी बनवारी लाल शर्मा को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन लिखकर 5 मांगे पूरी करने को लेकर विनती की है, जिसमें मांग की गई है कि क्षेत्र के आसपास के सभी अवैध खनन को पूर्ण रूप से बंद किया जाए। पत्र के माध्यम से राज्य सरकार से विनती की गई है कि अगर अवैध खनन को कुछ दिनों में पूर्ण रूप से बंद नहीं किया जाता है तो आंदोलन करते हुए जयपुर की ओर कूच किया जाएगा। इंडिया खबर लाइव के लिए कामा से आमिर खान की रिपोर्ट। द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कामा के धार्मिक और पौराणिक स्थलों के रख रखाव के बारे में इन्होंने निवेदन किया है। इसको हम उच्च अधिकारियों को भिजवा रहे हैं। अच्छी पहल है। ये जो कामा क्षेत्र और नगर क्षेत्र और डीग क्षेत्र में खनन का कार्य चलता है, ये भी एक बिंदु इसमें भी है, और इस तरीके के अवैध खनन को नहीं होने दे रहे हैं। हम बार बार जाँच भी कर रहे हैं। वन विभाग को भी इसके लिए पाबंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अवैध खनन अब भी जारी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले भी एक बार टीम, अभी 2-5 दिन पहले हमने भेजा था, और उसके बाद फिर एक प्रोग्राम बना रहे हैं। अवैध खनन कतई नहीं होने देंगे किसी भी कंडीशन में। बढ़ती जा रही है। गोवंश के लिए इन्होंने चौकियां बनाई, लेकिन वही बात है, जैसे पत्थर में जो है इनके सामने से ट्रैक्टर निकल रहे हैं, वैसे ही हम लोग प्रयास करते हैं, गायों के ट्रैक्टरों को पकड़ते हैं, ट्रकों को, लेकिन पुलिस फिर उनको पैसे लेकर के निकाल देती है। अखबारों में, टीवी में रोज खबर निकलती है कि गौ तस्करों की गाड़ी पकड़ी गई। ये गाड़ियां तो पकड़ी जाती हैं, लेकिन गौ तस्कर क्यों नहीं पकड़े जाते, इसके बारे में क्या कहना है? इसमें निश्चित रूप से पुलिस की मिलीभगत है। पुलिस प्रशासन इतने बड़े पाप को कर रहा है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि केवल मुसलमान करता है, ये पुलिस की वर्दी में क्या हिंदू इसको नहीं कर रहे हैं? जो किसी भी प्रकार गायों को निकाल रहा है ऐसे तस्करी में, वो बहुत बड़ा गौ हत्यारा है। लेकिन क्या किया जाए, किसी को पाप से डर नहीं लगता है, और जिला प्रशासन के आला अधिकारी इन बातों को क्या जानते नहीं हैं? लेकिन वो नियंत्रण ही नहीं करते हैं। तो इसका सबका तो यही है, जब तक हमारे यहाँ का जनसमाज बड़ा एक आंदोलन नहीं करेगा और प्रशासन के खिलाफ में जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये बंद नहीं हो सकता। यात्रा जिसके केस संचालक पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज हैं, जिन्होंने ब्रज के वन उपवन सरोवर पर्वत यमुना महारानी और गौ माता के लिए अपने जीवन को करीब 63 वर्षों से यहाँ लगा रखा है। आपके इस प्रयास के बाद 5,232 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित हुआ था, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र रह गए हैं नगर और पहाड़ी तहसील अलग होने की वजह से। एक तो उसके संरक्षण के संदर्भ में महाराज जी को काफ़ी चिंता है, दूसरा ये मेवाद विकास बोर्ड है, लेकिन इससे क्योंकि ब्रजवासी, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, सब ब्रजवासी हैं। एक तो ये नाम ही गलत है, क्योंकि ब्रज विकास बोर्ड स्थापित होना चाहिए। दूसरा, जैसे कि बरसाना, नंदगांव, वृंदावन को तीर्थ नगरी घोषित किया गया है, उसी प्रकार काम्य वन को, चूँकि ये आदि वृंदावन है, इसको भी तीर्थ नगरी घोषित किया जाना चाहिए, तभी जाकर के इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास संभव है। अन्यथा तो फिर आप जानते हैं कि मेवाद बोर्ड करो, कुछ भी करो, आज तक क्या हुआ? कोई उसका रिजल्ट तो आया नहीं है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ये जिन जिन को विकास किया है, तीर्थ विकास परिषद ने घोषित किया तीर्थ, उनका काफ़ी विकास तेज़ी से हो रहा है।